नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में बढ़ते अपराध के बीच बेगूसराय पुलिस का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। सोमवार की सुबह अपराधी गिरोह 47-56 गैंग का मुख्य सरगना बेगूसराय पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बेगूसराय पुलिस को 47-56 गैंग के मुख्य सरगना सुजीत सरकार की लंबे समय से तलाश थी। सुजीत सरकार अपने एक साथी के साथ मोटरसाइकिल से एक बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की फिराक में जा रहा था, उसी वक्त पुलिस ने उसे दबोच लिया। मामले को लेकर डीएसपी हेडक्वार्टर सुबोध कुमार ने बताया कि मुफस्सिल थाना अध्यक्ष को गुप्त सूचना मिला कि 47-56 गैंग के मुख्य सरगना अपने एक साथी के साथ एक बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। इसी सूचना के आधार पर एक टीम गठित कर सुजीत सरकार और उसके साथी प्रदुमन्य को गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपी के कमर से लोडेड देशी कट्टा बरामद किया गया। सुजीत सरकार पर लगभग आधे दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें वह फरार चल रहा था। गौरतलब हो कि इस गैंग का मुख्य काम मोटरसाइकिल की लूट करना, जमीन पर अवैध कब्जा दिलाना, शराब की तस्करी करना, चेन स्नैचिंग जैसी घटना को अंजाम देना था। मोटरसाइकिल लूट करना, जमीन पर कब्जा दिलाना, शराब का कारोबार करना, प्लस छिनतई जो शहरों में जो चेन स्नैचिंग पल्ला चढ़ना, तो बड़ा प्रकार के छोटी मोटी घटनाएं किया करते हैं। कहाँ पहले से ही एक गिरोह यहाँ संचालित थी जिसका नाम 47-56 था। उसके एक खगड़िया का व्यक्ति था जो अभी जेल में है, पहले वो इसको संचालित करता था। अभी वर्तमान में उसके जेल जाने के बाद जो है सुजीत सरकार इसका हेड था। इसके अंदर में करीब 10-12 व्यक्ति हैं और इन लोग का मुख्य काम जो है सड़कों पर से किसी को छीन लेना, झपट लेना, एक कहीं जमीन पर कब्जा दिलाने में भी लोग जाया करते हैं तथा शराब का भी कारोबार अवैध रूप से करते हैं। इसकी गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? इसकी गिरफ्तारी मुफस्सिल थाना क्षेत्र से हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले हैं बिशुनपुर वार्ड नंबर 38 का है सुजीत सरकार और वो सूजा का रहने वाला है। 8-15 में मुफस्सिल थाना अध्यक्ष फैसल अहमद अंसारी को सूचना मिला कि 47-56 गैंग के सक्रिय सदस्य सुजीत सरकार उर्फ सुजीत कुमार जो है अपने सहयोगियों के साथ कहीं किसी अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए निकला हुआ है। उस सूचना पर स्वयं थानाध्यक्ष अपने सशस्त्र बल के साथ जब पीछा किए तो वो सुजीत सरकार जो है KTM मोटरसाइकिल के साथ पीछा करने के बाद भेज कर उसे पकड़ा गया और सुजीत सरकार अपने सहयोगी वो प्रदुम्बन के साथ पकड़ा गया। दोनों की तलाशी ली गई तो दोनों के कमर से एक देसी लोडेड पिस्तौल बरामद हुआ, दो मोबाइल मिला है और एक KTM मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ। सुजीत सरकार करीब 6 कांडों में आरोप पत्र तौर पर फिरार रहा है। जनवरी के बाद फरवरी से मार्च के बीच में वो 4 मोटरसाइकिल लूट की घटना हमारे क्षेत्र में किया और एक 47-56 गैंग का ये सरगना है। तो चारों मोटरसाइकिल में 3 की रिकवरी हो गई थी, उसमें बाकी इसके सदस्य लोग जेल गए लेकिन ये चारों केस में फिरार था। वी टाइम न्यूज के लिए बिहार बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट।